up guys, welcome back to Thrive with Legal Perito. This is Shauran Anwani and we are going to begin with a new series of CrPC. In this video, we will cover the topic arrest. But before we begin with our today's learning session, do not forget to subscribe to our channel. Chapter 5 of CrPC 1973 deals with the arrest of a person under Section 41 to 60A. तीन लोग जो अरेस्ट कर सकते हैं वो है पुलिस ऑफिसर, प्राइवेट इंडिविजुअल और मजिस्ट्रेट। बट उससे पहले ये समझना ज़रूरी है कि अरेस्ट है क्या। अरेस्ट मीन्स एप्रिहेंशन ऑफ अ पर्सन बाय लीगल अथॉरिटी टू कॉज डेप्रिवेशन ऑफ हिज पर्सनल लिबर्टी। बेसिकली अरेस्ट क्रिमिनल लॉ का इम्पॉर्टेंट टूल है जो अक्यूज को प्रिवेंट करता है भागने से और उसकी प्रेजेंस को इंश्योर करता है इन द प्रोसीडिंग्स बिफोर द कोर्ट। क्या फिजिकल रिस्ट्रेंट या डेप्रिवेशन ऑफ लिबर्टी को अरेस्ट कह सकते हैं? नो, हर फिजिकल रिस्ट्रेंट या डेप्रिवेशन ऑफ लिबर्टी को अरेस्ट नहीं माना जाएगा जब तक अक्यूज किसी क्राइम के लिए चार्ज नहीं हुआ हो। फॉर एग्जाम्पल, अगर एक माइनर लड़की को ब्रॉथल से रिमूव करा जाता है उसको हम अरेस्ट कंसिडर नहीं कर सकते क्योंकि एक्यूजेशन ऑफ क्राइम इज एब्सेंट। अरेस्ट दोनों सिविल और क्रिमिनल केसेस में हो सकता है। थ्री पर्सन्स हु आर ऑथराइज टू अरेस्ट अ पर्सन आर सेक्शन 43। प्राइवेट इंडिविजुअल के पास पार है एक प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर को अरेस्ट करने की ओनली इफ उसकी प्रेजेंस में ऑफेंडर ने नॉन बेलेबल और कॉग्निजेबल ऑफेंस कमिट किया हो। तो एक प्राइवेट इंडिविजुअल पुलिस ऑफिसर की एब्सेंस में उसको अरेस्ट करके नियरेस्ट पुलिस स्टेशन में दे सकता है और अगर पुलिस ऑफिसर को लगता है कि सफिशिएंट रीजंस थे अरेस्ट करने के तो पुलिस ऑफिसर ऑफेंडर को रीअरेस्ट कर सकता है। सेक्शन 44 ऑथराइज करता है एग्जीक्यूटिव या जुडिशियल मजिस्ट्रेट को अरेस्ट करने का विदाउट अ वारंट। लास्टली, पुलिस ऑफिसर के पास पावर है अरेस्ट करने की अगर कोर्ट उसे ऑर्डर करती है अंडर सेक्शन 41, 42 एंड 151 ऑफ सीआरपीसी। सात कंडीशंस है जिसमें पुलिस ऑफिसर अरेस्ट कर सकता है। वो क्या है? किसी पर्सन ने कॉग्निजेबल ऑफेंस किया हो या वो हाउस ब्रेकिंग वेपन्स या स्टोलन प्रॉपर्टी पोजेस करता हो, कोई भी पर्सन जिसको स्टेट के ऑर्डर या सीआरपीसी के अंडर प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर कह दिया गया है, और एनी पर्सन रीजनेबली सस्पेक्टेड टू बी अ डिजर्टर फ्रॉम लॉफुल कस्टडी। ऑल्सो सेक्शन 45 एग्जेम्प्ट करता है आर्म्ड फोर्सेस के मेंबर्स को अरेस्ट होने से अगर उन्होंने कोई भी चीज़ अपनी ड्यूटी डिस्चार्ज करने के लिए की है। अब हम बात करते हैं अरेस्ट के प्रोसेस की। सेक्शन 46 बात करता है अरेस्ट विद और विदाउट वारंट दोनों सिचुएशंस की। सो इन मेकिंग एन अरेस्ट, पुलिस ऑफिसर या कोई भी पर्सन एक्चुअली कन्फाइन करता है टू बी अरेस्टेड पर्सन की बॉडी को अनलेस उस पुलिस ऑफिसर को ऑर्डर दिया गया हो वर्ड्स या एक्शंस के थ्रू कस्टडी में लेने का। इम्पॉर्टेंट थिंग ये है कि अगर मजिस्ट्रेट ने पुलिस ऑफिसर को वारंट इशू किया है अरेस्ट का तो पुलिस हैंडकफ नहीं कर सकती अरेस्टी को अनलेस हैंडकफ के ऑर्डर नहीं दिए गए हों। मोर ओवर ये सेक्शन पुलिस ऑफिसर को पार देता है टू यूज ऑल नेसेसरी मीन्स टू मेक अरेस्ट अगर अरेस्टेड पर्सन रिजिस्ट या इवेड करता है तो। बट एक लिमिटेशन इम्पोज की गई है इस पे कि पुलिस ऑफिसर या प्राइवेट इंडिविजुअल के पास कोई पार नहीं है अरेस्टेड पर्सन को मारने की अनटिल उसने ऐसा क्राइम ना किया हो जिसकी पनिशमेंट ही लाइफ इम्प्रिजनमेंट या डेथ पेनल्टी हो। सेक्शन 49 ये बोलता है कि जो अरेस्टेड पर्सन है उस पर उतना ही फोर्स या रिस्ट्रेंट यूज करना चाहिए कि वो कस्टडी से एस्केप ना कर सके। द अनदर क्वेश्चन विच माइट पॉप अप इन आर हेड्स इज दैट कि क्या पुलिस ऑफिसर अपनी जुरिस्डिक्शन के बाहर अरेस्ट कर सकता है? यस, बिल्कुल। इन्वेस्टिगेटिंग ऑफेंस के टाइम पे पुलिस ऑफिसर ऑफेंडर को विदाउट वारंट अरेस्ट कर सकता है एनीवेयर इन इंडिया। आई होप आपको अरेस्ट समझ में आया हो। फॉर मोर वीडियो स्टे ट्यून टू लीगल परितो। थैंक यू।